आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि अभद्रता का आरोप लगाया है एक प्रत्याशी ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप है। सपा प्रत्याशी अर्चना ने ये आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है अर्चना, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और फूट फूट कर रोई है प्रत्याशी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता चले कि बुलंदशहर में ये आरोप लगाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष हैं अर्चना, जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का, ये आरोप लगाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, सपा प्रत्याशी अर्चना ने वे बड़ा आरोप लगाया है। यमुनानगर बूथ का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने निकल कर आई है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की तरफ से। अर्चना ने ये पूरा आरोप लगाया है। वापस डिबेट पर चलेंगे। हमारे साथ दो मेहमान लगातार मौजूद हैं। मनोज जी, ये खबर जो सामने निकल कर आई है बुलंदशहर से, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगा है अभद्रता करने का, और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो हैं अर्चना, उन्होंने ये आरोप लगाया है, क्या कहेंगे सर? देखिए सत्यम जी, पहली चीज तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि देखिए, अगर आरोप लगा है, आरोप लगाना और सच्चाई, दो में दो अंतर होते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के पास कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो बना हो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, हर जगह तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से दे FIR दर्ज हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उसके खिलाफ हो, चाहे सरकार रखें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल 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 मनोज जी, ठीक है ठीक है। विनय जी से, विनय जी से एक सेकंड सर, बस ठीक है, वीडियो आपने बात कर दी सर, इस पर आप क्या कहेंगे विनय जी? देखिए, ये इनकी कल्चर है, इनकी परिपाटी है। इससे पहले पंचायत के चुनाव में महिलाओं की साड़ी खींचना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, इनकी परिपाटी है, इनकी संस्कृति, इनकी कल्चर में है। महिलाओं का सम्मान ये नहीं करते, कानपुर में माँ बेटी को जिंदा जला करके मार देते हैं।